लेकिन शॉर्ट गेंद और उठा के खेल लिया फाइनल क्षेत्र में, कोई भी खिलाड़ी वहां पे मौजूद नहीं। गेंद जा रही है बाउंड्री के बाद चार रनों के लिए। स्कोर चार रन बल्ला से नजर आर के फाइटर्स क्या नहीं खबर ले जो पड़े ले। पहली गेंद पे चार रन जगह के बल्ले से, दूसरा गेंद सम्मान देते हुए काफी अच्छी तरीके से हैं सुमित, चार रन ए सुमित सुमित बेटा का बुआ का था बिना जूस पहने नंगे पाव खेल रहे हैं। 33 नंबर की जर्सी पहन के धूप नहीं लग रही है भाई, कड़ी खिचड़ी है। काफी अच्छी गेंद अक्षय द्वारा बॉल को घुमा रहे हैं अच्छी तरीके से। काफी खराब गेंद थी, चार रनों के लिए गेंद जा रही है। प्लेयर नहीं रखते हैं पे जगह और एक लंबा हिट देखने को मिल सकता था लेकिन बराबर बल्ले पे आई नहीं गेंद। एक ही रन मिलेगा दिखाई फील्डर है वहाँ पे, तीन चार दिन ऊपर आया ही नहीं। स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन, पहला ओवर चालू, खुद गब्बर स्ट्राइक पे आ चुके हैं अभी। पहले गेंद अक्षय आगे बढ़ते हुए स्ट्राइक पे, खुद गब्बर राजू भाई स्लो गेंद और ये छोड़ दिया गेंद को, अंपायर का इशारा वाइड। आज के दिन का ये 7वां मुकाबला खेला जा रहा है किरण जर्ली प्रीमियर लीग। ओ ये क्या किया कुछ मालूम नहीं पड़ा, एलबी आउट है लेकिन सिर्फ यही बल्लेबाज एलबी आउट होते हैं ज्यादा, इसके लिए ये टूर्नामेंट में एलबी आउट नहीं रखा है और इसके बदले चार स्टंप रखे हैं हम लोगों ने, क्योंकि राजू भाई ज्यादातर बल्ले की वजह से पैर से मारते हैं शॉट, ज्यादा चौके और छक्के उसके पैर से लग के गए हुए हैं। और मैच खेलने से पहले पिछले 2 महीनों से पैर को काफी मजबूत करवा रहे हैं राजू भाई, जिम जॉइंट किया है उससे, वीक में 3 दिन लेग्स मारते हो। नए बॉलर वसंत पटेल एक ओवर के बाद 9-10 रन स्ट्राइक पे है जगह, वसंत आगे बढ़ते हुए। ओ काफी अच्छी गेंद, काफी स्लो गेंद कर रहे हैं, वेरिएशन कर रहे हैं यहाँ पे बॉलर। रणजी ट्रॉफी के प्लेयर है वसंत, नेपाल खेल के आए हैं। और ये उठा के खेलने की कोशिश, फील्डर भी नीचे है रंगानी, देखते हैं कैच कर सकते हैं कि नहीं। और गेंद चली गई बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए, बाउंड्री के बाहर से फील्ड कर। यहाँ पे एक मौका था जगह काफी फॉर्म में आते हुए, 3 चौके लगा दिए और ये चौथा चौका लगता हुआ देखने को मिल सकता था लेकिन बीट हो गए, फुल टॉस गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाया यहाँ पे जगह बर्बाद। स्लो डिलीवरी थी यहाँ पे वसन, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और ये आगे उठा के खेलने की कोशिश, सुमित है नीचे लेकिन बहुत ही लंबा हिट यहाँ पे लॉन्ग ऑफ में
20 रन स्कोर बनता हुआ 20 रन बिना कोई नुकसान फाइटर 11 जगह काफी फॉर्म में, देखते हैं इस बॉल में क्या करते हैं। और ये कट कर दिया है पॉइंट के ऊपर से, गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। टोटल स्कोर 24 रन और सारे के सारे रन जगह के बल्ले के बनते हुए। इतने आदमी थे गोली का। अगली गेंद फुल टॉस गेंद बीट किया वहां पे, कोई रन नहीं। दो ओवर की समाप्ति पे 24 रन। अब स्ट्राइक पे आ गए राजू भाई, एक लंबे की प्रतीक्षा कर रहे हैं सारे दर्शक। एक ओवर पूरी था, पास पास में रहो। यहाँ पे नाश्ते का लाभ उठाते हुए वड़ा पाव समोसा जी के रोल में यहाँ पे राजू भाई बाबा हेड कोच जो हर एक बॉल पे वड़ा पाव भजिया बोलता रहता है, अभी वही खुद खा रहा है। और सूर्या के रोल में नॉन स्ट्राइक एंड पे जग्गा। अब सही तीसरा ओवर लेके खुद गब्बर सामने है, अभी तक एक भी रन नहीं किया खुद गब्बर ने। और ये उठा गया और ये कप्तान वर्सेस कप्तान, और ये क्या किया, एक आसान सा मौका यहाँ पे छोड़ते हुए खुद गब्बर का कैच छोड़ा है उसने। मेरे ख्याल से राजू भाई उसको 200 रुपए का इनाम भी देंगे शायद, मुकेश को खरीद लिया है ऐसा लग रहा है। और ये उठा के खेलने की कोशिश बीट होते हुए, लाली द्वारा वाइड का इशारा, एक अच्छा चांस था यहाँ पे, अगर विकेट गिरती तो थोड़े दबाव में आ जाते फाइटर 11। अक्षय की अगली गेंद और ये उठा के खेलने की कोशिश पूरी तरह से बीट होते हुए। अक्षय काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए इसी ओवर में, पहले ओवर में भी 10 रन दिए थे, तीसरा ओवर भी काफी अच्छा करते हुए। जिनेश गेंद नहीं पकड़ पा रहे हैं यहाँ पे, और ये काफी और एक अच्छी गेंद, रन आउट का खतरा हो सकता है। आसान के साथ एक रन पूरा कर दिया, स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन बिना कोई नुकसान फाइटर 11। तीसरा ओवर चालू, लेफ्ट साइड में खेल दिया है, पीछे फील्डर मौजूद, एक रन दौड़ के पूरा किया, टोटल स्कोर 28 रन। राजू भाई अगर लगातार 3 छक्के लगाते हैं तो अमित भाई की तरफ से 500 रुपए का नगद इनाम है। पैर से गेंद पकड़ने का प्रयास, दोनों टांगों के बीच में से निकल गई और बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन, और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन। काफी खराब फील्डिंग वहां पे फील्डर द्वारा, एक ही रन था वहां पे, 4-4 रन मिल रहे हैं। 3 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 32 रन, अभी तक एक भी विकेट नहीं गिरी है। आग लगी है, हमारी बाजू में बैठी जा, टेंशन नहीं लो जी, अपने एक में ब्रह्मा ने निराश हो चुके हैं। निराश कोई नहीं हुआ है, अभी भी गेम में है, अभी भी इनके पास अवसर है। खुद गब्बर के सामने खुद गब्बर अपना दम, और ये उठा के खेलने की कोशिश, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद, एक ही रन मिलता हुआ। राजू भाई काफी ट्राई कर रहे हैं, बड़े शॉट लगा
लेकिन बल्ले पे आ नहीं रहे हैं गेंद बराबर। गाड़ी का चाबी किसी को मिला रहेगा तो कमेंट्री बॉक्स में दे दीजिए। फोर व्हील का गाड़ी का चाबी है ब्लैक कलर का जाके। अभी मेरा किधर है भाई, वो लेग साइड में ड्राइव कर दिया था और दो रन चुरा लिया। गोपाल की फील्डिंग वहां पे फील्डर के द्वारा तेरे चाबी गोपाल धरी पर। गब्बर खुद बॉलिंग पे आ गए हैं, बाकी नहीं जाता लेकिन एम के बाला सामना करेगा जग्गा और ये उड़ा के खेलने की कोशिश। गली में खेल दिया है फील्डर भागते हुए, वहां पे एक ही रन मिलता हुआ। काफी अच्छी गेंदबाजी होती हुई, मौका नहीं दे रहे छक्का लगाने का। मुकेश काकड़िया बाला 11 के कप्तान के सामने कप्तान, देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है। और ये ओहो यहाँ तक आवाज आई हवा की, इतनी जोर से बल्ला घुमाया यहाँ तक आवाज आ रही है लेकिन तालमेल नहीं बिठा पाए। अगर ये गेंद बल्ले पे लग जाएगी तो मेरे ख्याल से स्टेडियम के बाहर चली जाएगी। और एक बार उठा के खेलने की कोशिश, अभी तक तो बाला के कप्तान भारी पड़ते हुए फाइटर के ऊपर। मौका नहीं मिल रहा है यहाँ पे फाइटर के कप्तान को राजू भाई। ओह गए जीनेस काफी लच्छा मार रहे हैं वहां पे कीपिंग में, बॉल नहीं रोक पा रहे हैं जीनेस। इतनी स्लो गेंद डाल रहे हैं फिर भी कौन बचा हुआ। 37 रन बिना कोई नुकसान फाइटर 11। और ये खेल लिया लॉन्ग ऑन में फील्डर मौजूद रंगानी। तीसरा चौथा ओवर समाप्त, स्कोर 37 रन। काफी अच्छी ओवर ये बिना किसी नुकसान के 38 रन हुए है। अच्छा ओवर कप्तान द्वारा, ये चार ओवर के बाद 38 रन बिना कोई नुकसान फाइटर 11। भाई रोड पे जिसने गाड़ी पार्क किया होगा। ये क्लीन बॉल, शॉट कवर वापस लौटते हुए और ये नो बॉल का इशारा अंपायर का शायद। जिसकी भी गाड़ियां है वो साइड में ले ले, कुछ भी नुकसान होगा तो खुद की जवाबदारी रहेगी क्योंकि यहाँ पे थोड़ी देर के बाद बहुत सारी बफेलो पानी पीने के लिए जा रही है तो किसी को भी टक्कर लग सकती है। तुम इतनी अगली के गाड़ियां सब साइड में ले लेना, जिसकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी रहेगी नजदीक में लेफ्ट साइड में। यहाँ पे खुद गब्बर को एक मौका मिला है, दो दो जीवन मिले हैं आज उन्हें। तुम्हें खेल लिया है लॉन्ग ऑन में रंगानी, अच्छी फील्डिंग एक ही रन मिलेगा। लेफ्ट साइड में यहाँ पे नजदीक में जिसकी भी गाड़ियां रहेगी वो कृपया जल्द से जल्द साइड में ले ले, किसी की भी गाड़ी को नुकसान पहुंचेगा तो फिर खुद की जवाबदारी रहेगी। स्ट्राइक पे राजू भाई सामना करेंगे, ऑफ साइड पे मारने का प्रयास, एक रन।
टोटल स्कोर 42 रन। सुमित की अगली गेंद जग्गा को, बहुत ही बेहतरीन गेंद था, 42 रन, जिसमें से जग्गा अकेले 32 रन बना के खेल रहे हैं। सुमित की अगली गेंद उठा दिया है उसको, पीछे रंगानी मौजूद, फील्ड किया केवल एक रन। काफी टाइम से बाउंड्री नहीं मिल रही है यहाँ पे दोनों बल्लेबाज को, अच्छी बॉलिंग होती हुई यहाँ पे बाला द्वारा। रन, पांच ओवर की समाप्ति पे लास्ट जो चौका देखने को मिला था वो तीसरे ओवर में था। कोई भी बाउंड्री देखने को नहीं मिल रही है पिछले कुछ ओवर से। दूसरा ओवर लेके आए खुद के ऊपर बाला, सामना करेंगे जगह और ये उठा के खेल दिया है फील्डर वहां पे मौजूद रंगानी, और ये काफी बढ़िया गेंद रंगानी द्वारा, पहला झटका लगता हुआ झटके के रूप में झटका वापस लौटते हुए काफी अच्छी बैटिंग करते थे, अच्छा गेंद वहां पे रंगानी द्वारा। अंपायर का इशारा वाइड का, एक रन का इजाफा फाइटर 11 को। काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए यहाँ पे मुकेश काकड़िया, और ये फील्डर वहां पे मौजूद है, एक ही रन मिलता हुआ। नए बल्लेबाज पिंपरे और एक वाइड, स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन, छठा ओवर चालू। फील्डर वहां पे मौजूद फाइन लेग में, एक ही रन मिलेगा। और ये उठा के खेल लिया जैसे जीने पकड़ लिया एक, और ये दूसरा झटका यहाँ पे मिलता हुआ यहाँ पे मुकेश काकड़िया ने, दोनों विकेट लिए यहाँ पे। अभी अच्छी बॉलिंग करते हुए यहाँ पे खुद का पार बना के दो विकेट ले चुके हैं। काफी लंबे कट के खिलाड़ी है वो भी, देखते हैं अपनी टीम के लिए आज क्या करते हैं, कुछ कमाल करना होगा यहाँ पे दोनों बल्लेबाज को। लॉन्ग ऑफ में खेल दिया है फील्डर वहां पे मौजूद, एक ही रन मिलेगा। ट्रैक पे अभी आ चुके हैं जिग्नेश भिमरे, और उठा के खेलने की कोशिश और पूरी तरीके से बीट हुए, मजा लेते हुए वहां पे बॉलर। 6 ओवर के बाद 48 रन 6 ओवर। Thank you.
सुमित आगे बढ़ते हुए, ट्रैक पे संजय काफी अच्छी गेंद, ओवर चालू 48 रन, दो विकेट के नुकसान पे स्ट्राइक पे है संजय। सुमित आगे बढ़ते हुए, संजय स्ट्राइक पे है, देखते हैं क्या करते हैं, उठा के खेलने की कोशिश, फील्डर वहां पे मौजूद, एक ही रन मिलता हुआ। उम्मीद आगे बढ़ते हुए स्ट्राइक पे आ गए, जिग्नेश भिमरे उठा के खेल दिया है, फील्डर वहां पे मौजूद, अरे काफी अच्छी फील्डिंग वहां पे अक्षर पटेल द्वारा, निश्चित रूप से ये छक्का था और ये रन आउट भी मिलता हुआ, ये रन आउट का पूरा श्रेय मिलेगा अक्षर पटेल को, जो भाई बाला के सपोर्टर क्यों खामोश बैठे, विकेट जा रही है तो भी आवाज नहीं आ रही है। उम्मीद आगे बढ़ते हुए, व्हाइट का इशारा, स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन, फाइटर के 50 रन भी हो चुके हैं, फाइटर में उत्साह नहीं है, 50 रन हुए फिर भी फाइटर के प्लेयर सब मायूस हो गए हैं ऐसा लग रहा है, और ये उठा के खेल दिया है और ये बाला ने गेंद छोड़ दिया, एक आसान गेंद था जो जय परवाड़ के हाथ से छूटता हुआ। सुमित काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए, काफी टाइम से चौका नहीं लग रहा है यहाँ पे बल्लेबाजों द्वारा, लेग साइड में गेंद, अंपायर इशारा करते हुए वाइड, स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन, सातवां ओवर चालू, इसके बाद और एक ओवर का ये मैच खेला जाएगा। और ये उठा के खेल दिया है अक्षय पटेल नीचे, उसके ऊपर से गेंद चली गई 6 रनों के लिए, और बढ़ता हुआ 50, थोड़ा सा प्रॉब्लम था स्कोरिंग में, 58 रन हुए हैं, और एक खेल दिया है लंबा छक्का, दूसरा छक्का लगातार, और बचाओ 64 रन, 7 ओवर के बाद 64 रन, इस इनिंग की आ त्यारे 52 जता, थोड़ा प्रॉब्लम हतो अहीं एटले 64 थया, आखरी ओवर 62 छक्के के बाद फाइटर के प्लेयर थोड़े जाग गए हैं अभी, आखरी ओवर लेके आते हुए अवसान, सामना करेंगे जिग्नेश और काफी बाहर गेंद डालते हुए वाइड का इशारा, स्कोर बढ़ता हुआ 65 रन, जिग्नेश भिमरे अगर उसको गेंद बराबर मिल गई तो बाहर ही हो जाएगी ये गेंद, छक्के मारने में माहिर है जिग्नेश भिमरे, और ये फुल टॉस गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए यहाँ पे, आखिरी 5 गेंद
का खेल बचा है इस इनिंग का। काफी खराब गेंदबाजी होती हुई यहाँ पे। दूसरा वाइट और बढ़ता हुआ 66 रन। और ये क्लीन बॉल। नहीं बल्लेबाज नरेंद्र बापू और ये काफी बढ़िया शॉट नरेंद्र बापू द्वारा छक्का लगता हुआ। आगे बढ़ते हुए स्कोर पहुंच गया है 72 रन। तीन गेंद अभी भी बाकी और एक फुल टॉस और ये और 4 रन के लिए गेंद चली गई है। आखिरी 2 ओवर काफी भारी होती हुई यहाँ पे फाइटर के बल्लेबाज हावी हो गए हैं बॉलर के ऊपर। स्कोर हो चुका है 76 रन। अभी भी 2 गेंद बाकी है। अगर 2 सिक्स मारेंगे और तो आज के टीम का हाई स्कोर हो जाएगा। मिस करती हुई गेंद बीट कर दिया। आखिरी गेंद देखते हैं बापू क्या करते हैं। आखिरी गेंद में चौका या छक्का देखने को मिलता है कि नहीं। वसंत आगे बढ़ते हुए बापू को आगे आगे उठा के मारने की कोशिश की थी। शायद यहाँ पे 2 रन मिल जाएंगे। रन आउट का खतरा और ये रन आउट 1 ही रन मिलेगा। स्कोर हो चुका है 77। आगे बढ़ते हुए और ये खेल लिया है लॉन्ग ऑन में। फील्डर वहां पे मौजूद 1 ही रन मिलेगा। स्ट्राइक पे है जाय। फुल टॉस गेंद थी थोड़ी ब्लॉक में हो गई। राजू भाई आगे बढ़ते हुए स्ट्राइक पे है जाय। काफी अच्छी गेंद लॉन्ग ऑन में खेल लिया 1 रन के लिए। पहला छक्का यहाँ पे लगता हुआ पाला 11 का और फील्ड रंगानी का। पूरा फायदा उठाया। राजू भाई आगे बढ़ते हुए शॉट गेंद लेग साइड में अंपायर का इशारा वाइड का। स्कोर हो गया है 9 रन। पहला ओवर चालू। स्ट्राइक पे है पीयूष रंगानी। एक छक्का लगा के खड़े हैं पिच पर। देखते हैं इस गेंद में क्या होता है। और एक फुल टॉस लॉन्ग ऑन में। फील्डर वहां पे मौजूद है जगह जगह के हाथ से गेंद नहीं जा सकती। स्ट्राइक पे है जय रामनगर के राजू भाई का। और एक फुल टॉस। यहाँ पे सिर्फ 4 लोग ही खेल रहे हैं। दोनों बल्लेबाज राजू भाई और जगह
वहां पे गेंद जा रही है, एक एक रन ले रहे हैं। ओवर की समाप्ति, एक ओवर 10 रन, 8 ओवर में 78 रन बनाने हैं। अगर हर एक ओवर में 10-10 रन हो गए तो आराम से 11 रन हुए। अगर ऐसे ही खेलते रहे तो संजय अच्छी गेंद, डॉट गेंद, संजय सामना करेंगे जय परवार। ब्लॉक में गेंद, काफी अच्छी बॉलिंग होती हुई यहां पे संजय द्वारा। स्कोर अभी भी रुका हुआ 11 रन पे। आगे खेल लिए और ये कैच आउट, जय बरवार वापस लौटते हुए, बाला का बाला वापस लौट रहा है, एमके का बाला वापस आ रहा है प्रवचन में। वन डाउन बैट्समैन अक्षय पटेल सामना करेंगे संजय का। पावर ट्राई कर दिए है, फील्डर वहां पे मौजूद भाविक देसाई कमेंट्री में आवे, भाविक देसाई पीयूष रंगानी अच्छे फॉर्म में है। संजय काफी अच्छी गेंदबाजी और ये कैच हो सकता है पॉइंट पे, लेकिन सुधीर अहिर कमियर काना को बुला लिया यहाँ पे, ज्वेलर किरण ज्वेलरी के कृष्ण भगवान। टाइगर आ रहा है, चुप जाओ, गांव गांव तक बच्चे बोलते हैं सो जाओ वरना टाइगर आ जाएगा। राजू भाई आगे बढ़ते हुए स्ट्राइक पे पीपी और ये भी रंगानी ने खेल दिया, कैच हो सकता है और ये कैच आउट, रंगानी वापस लौटेंगे। दूसरा झटका यहाँ पे लगता हुआ, काफी मुश्किल हो गए बाला की टीम, दोनों सलामी बल्लेबाज कैवेलियर में वापस गले मिलते हुए विपक्षी कप्तान से। यहाँ पे अभी टॉस होता हुआ आखिरी मैच का इस दिन का, डीपी टाइगर्स वर्सेस एबीसी वॉरियर्स, टॉस उछलेंगे विक्टर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज जिनेश सामना करेंगे आरके राजू भाई। राजू भाई की अगली गेंद जिनेश को लेग साइड में घुमा दिया है, लेकिन कोई रन नहीं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे,
राजू भाई की अगली के जीनेस को आया तू बस ही आया हूँ ना कितने बजे आया इसमें एम के बाला दिनेश को यार कर मन ना इसके बाद का मुकाबला पीवी वॉरियर्स वर्सेस पीपी टाइगर जिसमें टाइगर 11 ने टॉस जीता है डिसीजन लेना पेंडिंग दिनेश स्ट्राइक पे है बॉलिंग कर रहे हैं राजू भाई अंपायर अपने दोनों हाथ खोलते हुए वाइड का इशारा यहां पे टाइगर ने बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है पीवी वॉरियर फील्डिंग करेगी और ये बुलडॉग्स गेंद फीट होते हुए यहाँ पे दिनेश मौका था यहाँ पे छक्का मारने का हेलो राजू भाई आगे बढ़ते हुए दिनेश को और ये क्लीन बॉल टाइगर टाइगर ना प्लेयर बचा विजय भाई कमेंट्री बॉक्स में से निमेश एंड हिज टीम निमेश निमेश बदाने लेने आ विजय भाई टाइगर हेलो 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 बैट्समैन मनोज गॉड चलो आवे संजय 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन है 20 रन 3 ओवर के बाद स्ट्राइक पे है कुछ कमाल दिखाना होगा यहाँ पे अक्षय पटेल को अगर बाला को ये मैच जीतना है तो कुछ कर दिखाना होगा आज अपनी टीम को जिताना है तो संजय आगे बढ़ते हुए चला बे पॉइंट पे खेल दिया है अच्छी फील्डिंग एक ही रन मिलेगा चलो आवे संजय आवे राय को उपमा उपमा रखने का तो जावा दे अंदर मनोज और ये खेल दिया है फाइन लेग में गेंद जा रही है बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए स्कोर बढ़ता हुआ 26 और एक शॉट गेंद कीपर भी बीट हुए रन आउट का खतरा हो सकता है यहाँ पे आराम से पहुंच गए चलो भाई चलो राइट पे है अभी अक्षय कवर ड्राइव कर दिया है गेंद जा रही है बाउंड के बाद 4 रनों के लिए काफी अच्छा शॉट अक्षय द्वारा बल्ले के बीचों बीच लगता हुआ यह शॉट भाई खाली कर भाई अक्षय और ये अच्छा कैच चौथा झटका लगता हुआ यहाँ पे बाला 11 को चलो
विशाल 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 प्रशंजीत पांचवा ओवर लेके शॉर्ट गेंद उठा के खेल दिया है, कोई भी फील्डर वहां पे मौजूद नहीं, बॉल चली गई है अंदर है, दो ही रन मिलेंगे यहाँ पे। और ये काफी अच्छा कैच प्रशांत द्वारा, पांचवा झटका लगता हुआ पारा इलेवन को, बल्लेबाज अमोल 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 फाइटर के बॉलर काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, पांच विकेट हो गए और एक लेग साइड पे गेंद, अंपायर का इशारा वाइड का, स्कोर हुआ है 34 रन, आगे खेलने की कोशिश, रन आउट का खतरा हो सकता है, अच्छी गेंदबाजी करते हुए प्रशंजीत, पिछले मैच के हीरो एक हारी बाजी को जीत में पलट के रख दिया प्रशंजीत, कप्तान का भरोसा कायम करते हुए इसी मैच में वापस उसी लाइन लेंथ से, बैट्समैन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे खेले, बैट और गेंद के बीच में कोई संगम नहीं हो रहा है, अगली गेंद प्रशंजीत, सामना कर रहे सुमित, दौर रहा है की दिशा में प्लेस करते हुए सिंगल लिया, इसी बीच अंपायर का ओवर समाप्ति की घोषणा, बाला का स्कोर 36 रन, पांच ओवर की समाप्ति पे काफी पीछे चल रहा है बाला रिक्वायर रन रेट से, अगर उसको ये मैच जीतना है तो 15 की रन रेट से 3 ओवरों में खेलना पड़ेगा, नया बॉलर बापू चकमा देते हुए सुमित को, गेंदबाजी के सहारे मैच जीतते हुए, अगर ये मैच बाला को जीतना है तो ये ओवर में कम से कम 20 रन बनाने पड़ेंगे, 3 बड़े हिट चाहिए, पंद्रह बीस रन का ओवर चाहिए ही चाहिए, और ये काफी खूबसूरत शॉट सुमित की ओर से, बॉल सीमा रेखा के पार 4 रन, मिड ऑफ की ओर से लेकिन वहां पे फील्डर हां
और ये उठा के मार दिया है सुमित ने प्रसन्नजीत बॉल के नीचे, और ये कैच ड्रॉप, और ये अच्छी कोशिश लेकिन बॉल सीमा रेखा के पार, चार रनों के लिए। स्कोर 46 बे ओवर में 32 रन बाकी। बाला को ये मैच जीतने के लिए 12 गेंदों में 32 रन, अभी भी ये मैच जीत सकती है बाला इंडियन। बाला के सपोर्टर ठंडे हो गए यहाँ पे, दो ओवर में 32 रन सेव चाहिए, 12 गेंदों में 32 रन हो सकते हैं अभी भी। स्ट्राइक पे है अमोल, आज उसको कुछ अनमोल करना होगा। और ये उठाने मारने की कोशिश लेकिन पूरी तरह से बीट हुए, लेकिन सिंगल से नहीं रोक पाए। सुमित को आज दिखाना होगा कि वो कोहिनूर का हीरा है, अगर ये मैच जीत गए तो कोहिनूर का हीरा कहलाया जाएगा बाला के लिए। कट कर दिया है, अच्छी बैटिंग वहां पे। एक एक रन से कुछ नहीं होगा यहाँ पे, चौके और छक्के लगाने होंगे। 10 गेंदों में 30 रन चाहिए, हर एक गेंद में 3 रन आने चाहिए यहाँ पे। लॉन्ग वन में खेल दिया, फील्डर वहां पे मौजूद, और ये मिस फील्डिंग, गेंद चली गई है 4 रनों के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 52 रन। नौ गेंद 26 रन, अंपायर का इशारा वाइड। नौ गेंद 25 रन, कम से कम 10 रन आने चाहिए इस ओवर में, तो आखिरी ओवर रोमांचक होगी। कट करने की कोशिश, एक ही रन मिलेगा। स्ट्राइक पे सुमित, पॉइंट पे कर लिया है, और ये गेंद चली गई है बाहर, बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन, अभी भी एक गेंद बाकी है, शायद 20 रन चाहिए, कुछ भी मुमकिन है यहाँ पे, सिर्फ 20 रन बनाने हैं, 3 छक्के लगाने हैं। सुमित स्ट्राइक पे है, और ये बीट होते हुए, और ये कैच आउट है भाई। एक ओवर में 20 रन चाहिए, सिर्फ 3 छक्के लगाने हैं। बाला के सपोर्टर मायूस हो गए हैं, ये रन चेज हो सकते हैं अभी भी, केवल 20 रन चाहिए 6 गेंदों में।
पांच गेंदों में 20 रन, हर एक गेंद में चौका लगाना जरूरी है यहाँ पे। फायर का इशारा वाइड, 19 रन 5 गेंद। अभी भी ये मैच खत्म नहीं हुआ है, 5 गेंदों में 19 रन। लाली आया दाओ भाई, एकदम दूर दूर भागे। टेंशन नहीं लेवानो भाई, काले आपने बजा आरोन बैठा है, स्वागी जाए। काफी बढ़िया शॉट, 6 रन के लिए। ऐसी शुरुआत चाहिए थी। 66 रन। तीन गेंदे 12 रन, 2 छक्के चाहिए और। 3 गेंदों में 12 रन है जी, 3 गेंदों में 12 रन अभी भी हो सकते हैं। केवल 3 छक्के लगाने हैं यहाँ पे, कुछ भी मुमकिन है। वसंत पाटिल बल्लेबाजी कर रहे हैं, तब तक मुमकिन है। दो छक्के चाहिए और, 2 गेंदों में 12 रन।